हेलो स्टूडेंट्स फॉर क्लास 10। हम लास्ट वीडियो में आपको गैस्ट्रुलेशन के बारे में बता चुके थे। गैस्ट्रुलेशन बताया, प्लेसेंटा बताया, आज हम बात करते हैं पार्चुलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्चुलेशन। मैं आपको गैस्ट्रुलेशन में बताया कि जब एम्ब्रियो में 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है कंप्लीट और तीनों जर्मिनल लेयर मिलकर गैस्ट्रुला बना लेती हैं। ये गैस्ट्रुला एक ऐसी चीज है जिसमें प्रत्येक तीनों लेयर बच्चे के कंप्लीट ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट करती है। एक जो तीनों जर्मिनल लेयर हैं बाहरी, मिडिल और आंतरिक अंगों का निर्माण करती हैं, जिससे कि बच्चे में सारे अंगों यानी ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट पूर्ण हो जाता है। एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, ये 3 जर्मिनल लेयर हैं। प्लेसेंटा में हम आपको बता चुके थे कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो यूटेरस की मायोमेट्रियम से डेवलप होती है। ये बच्चे में माँ के शरीर से न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करने में मदद करती है और बच्चे के शरीर में पाए जाने वाले वेस्ट मेटेरियल को माँ के शरीर में ट्रांसफर करने का काम करता है प्लेसेंटा। इस बारे में हम आपसे पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। इस तरह से एक जो एम्ब्रियो होता है वो कंप्लीट फीटस में कन्वर्ट हो जाता है और कंप्लीट फीटस का डेवलपमेंट लगभग 9 मंथ में होता है। कब होता है? 9 मंथ। इसको हम 280 डेज भी कहते हैं और 40 वीक्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 9 महीने में 280 दिन या 40 हफ्ते होते हैं, ये हम समझते हैं। तो पार्चुलेशन का क्या मतलब है? द कंप्लीट फीटस गोज आउटसाइड फ्रॉम द मदर यूटेरस आफ्टर 9 मंथ और 280 डेज और 40 वीक्स। 9 महीने बाद या 280 दिन बाद या 40 हफ्ते बाद एक कंप्लीट बना हुआ बेबी मां के गर्भ से बाहर जाता है, इसी चीज को हम पार्चुलेशन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डिलीवरी। इसको डिलीवरी के नाम से भी जानते हैं। इन द पार्चुलेशन द ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स वर्क। पार्चुलेशन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स वर्क करते हैं। ये प्लेसेंटा तथा यूटेरस की मायोमेट्रियम को ऑर्डर करते हैं प्रेशराइज करने के लिए। जैसे मायोमेट्रियम प्रेशर लगाती है बच्चा मां के गर्भ से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। अब हम जानते हैं कि वेजाइनल कैविटी के अंदर जो वजाइना है उसके अंदर बार्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये बार्थोलिन ग्लैंड्स म्यूकस सेक्रेट करने का काम करती है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो वेजाइनल कैविटी के बाहर सेक्रेट किया जाता है। किस ग्लैंड के माध्यम से? बार्थोलिन ग्लैंड के माध्यम से। ये म्यूकस वेजाइनल कैविटी को स्मूथ बनाए रखता है, जिससे पार्चुलेशन के समय मां के वेजाइनल कैविटी को कोई इंटरनल प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बच्चा कंप्लीट बाहर आ जाता है। इस पूरी प्रोसीजर को हम पार्चुलेशन प्रोसेस कहते हैं। फिर से बताता हूं, 9 मंथ के बाद या 280 दिन के बाद या 40 हफ्ते के बाद मां के शरीर से कंप्लीट फीटस से बाहर निकलने की प्रोसीजर को पार्चुलेशन के नाम से जाना जाता है। पार्चुलेशन में जो हॉर्मोन्स मदद करते हैं उसको ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन्स कहते हैं। ये पार्चुलेशन में मदद करते हैं और माँ के ब्रेस्ट से मिल्क निकालने में भी ये मदद करता है, पार्चुलेशन कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे लैक्टेशन पीरियड की। ये आप लोगों को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है। कुछ
उसके बाद हम बात करते हैं आपसे लैक्टेशन। ये लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब होता है माँ के ब्रेस्ट से मिल्क का सेक्रेट हो जाने लगना, लैक्टेशन पीरियड कहलाता है। देखिए, द मिल्क सेक्रेट फ्रॉम द मदर ब्रेस्ट कॉल्ड लैक्टेशन। The milk secreted from the mother breast after parturition about 10 to 15 minutes, लगभग 10 से 15 मिनट बाद माँ के ब्रेस्ट से मिल्क सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है लैक्टेशन। जब पार्चुएशन हो जाता है, पार्चुएशन मीन्स डिलीवरी बच्चे की हो जाती है, तो बच्चे की डिलीवरी के 10 से 15 मिनट बाद माँ के ब्रेस्ट से मिल्क का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब द ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स useful to the secretion of milk from the mother breast। तो माँ के breast से milk का secretion कराने में जो hormones मदद करते हैं उनको oxytocin hormones कहते हैं। अब आता है द प्रोलैक्टिन हार्मोन्स सेक्रेट फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड यूजफुल टू द सेक्रेशन ऑफ मिल्क। From the mother breast देखें, हम क्या हमने पता किया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होते हैं माँ के ब्रेस्ट से मिल्क को निकालने में बहुत मदद करते हैं। उसके साथ साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सेक्रेट किया जाता है ये भी माँ के ब्रेस्ट से मिल्क को निकालने में मदद करता है। अब उसके बाद था फर्स्ट मदर मिल्क इज येलोइश कलर बाय द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब माँ का जो पहला मिल्क जो होता है वो हल्के से पीले कलर का होता है, किसके कारण? कोलेस्ट्रॉल के कारण ये हल्के से पीले कलर का होता है। अब दिस मिल्क कंटेन IgA एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट द बेबी from harmful bacteria virus। ये क्या करता है? बच्चे को harmful bacteria virus से protect करने का काम करता है। तो हमने सीखा इसमें lactation period में parturition के 10 से 15 मिनट बाद माँ के breast से milk के secrete होने की प्रतिक्रिया parturition period कहलाती है। इस पार्चुएशन, सॉरी लैक्टेशन पीरियड कहलाती है। दोबारा से बता दे रहा हूं
कि माँ के ब्रेस्ट से मिल्क के निकलने की प्रतिक्रिया पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी के 10 से 15 मिनट बाद हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। तो लैक्टेशन पीरियड में माँ के ब्रेस्ट से मिल्क सेक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मिल्क सेक्रेशन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स तथा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स मदद करते हैं जो मिल्क को सेक्रेट करते हैं। माँ का जो पहला दूध होता है वो हल्के से पीले कलर का होता है। हल्के से पीले कलर का मतलब इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये पीले कलर का हो जाता है। इस कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन में आईजीए एंटीबॉडीज होती है जो माँ के गर्भ सॉरी माँ के मिल्क द्वारा बच्चे के अंदर ट्रांसफर की जाती है। तो इस तरह से जो आईजीए एंटीबॉडीज है इसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। फिर बोल रहा हूँ इम्यूनो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को विभिन्न प्रकार के हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस से बचाने का काम करती है। इस चीज को हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। यहाँ पर ये आपका टॉपिक था जो बच्चे को यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर बच्चे की डिलीवरी तक का ये पूरा टॉपिक एक आज खत्म हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम आपका आ जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन कंट्रोल और कुछ STDs होंगी और स्टेरिलिटी होगी। बस ये चार पांच टॉपिक और इस चैप्टर में रह जाते हैं। उसके बाद आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। उसके आप जब तक आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं।